तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एट द रेट ऐसी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में। और मैं हो चुका हूँ तैयार और आज अनमोल बड़ा खुश है क्योंकि आज उसके स्कूल में फंक्शन है और वो कह रहा है कि मैं डांस करूँगा। उसने कपड़े बड़े बढ़िया पहन रखे हैं। कह रहा है मेरे से कि तुम्हारे कपड़े तो ऐसे मेरे जैसे मेरे कपड़े हैं, ऐसे तो तुम्हारे पास है भी नहीं। अरे वही था होगा। तो फाइनली अनमोल आ चुका है, ये देखिए इसके कपड़े। भाई साहब हीरो लग रहा है, हीरो बताओ जल्दी बताओ। देखिए अनमोल कितना स्मार्ट लग रहा है। अरे शर्मा गया तो वो आ गया। किसकी है जूती भाई साहब? मैं ही पहन लूं और अच्छा दीदी की है। आज स्कूल में क्रियाकलाप है इनकी, आज एक्टिविटी है चिल्ड्रन डे के दिन पे। ये देखिए तैयार हो रहे हैं दोनों बच्चे, छोटे छोटे छोटा छोटा बच्चा। अरे पागल है वहाँ पर कौन सा गाने में डांस करेगा। स्कूल भाग गया, लेकिन हमारा जो रूटीन है वो मतलब हमने गाड़ी निकाल ली है बाहर और अब इस टाइम खाना खाने की तैयारी है। हम खाना खाने के बाद तुरंत हमने अपने काम पे निकल जाएंगे और हमारी जो टीम है वो वहाँ पहुँचने वाली है। तो एंड चलते हैं फिर। दोनों हो चुके हैं तैयार, मैं हो चुका तैयार जाने के लिए स्कूल। ओ भाई साहब फोटो की जगह पेड़ों में सही जहर लग रहा है। डांटो बड़ा हंस रहा सृष्टि से तैयार होके आ गई। अब तो स्कूल में डांस करेगी दोनों। ओहो भाई साहब दोनों तैयार होके बाहर आ चुके हैं, अभी जाने के लिए तैयार है स्कूल। ये देखिए सृष्टि और ये अनमोल, आप भाई फोटो खींच रहे हैं सृष्टि अनमोल के। ये देखे इसको हीरो की, देखो बंदर की। अब दोस्तों हम जाने वाले हैं काम पर। ये हमने सामान ले लिया क्योंकि हम कल दूसरा काम पर लेके गए थे सारे औजारों को, और अब वो ये वापस उसी काम पर लेके जा रहे हैं हम अपनी साइड पर औजारों को। तो चलिए फिर चलते हैं अब जरा चुका काम पर। और काम हमने इतना फिनिश कर दिया है ये वाला, और आज हमारी टीम नहीं आई है किसी कारणवश, और दूसरी टीम हमारी काम कर रही है। देख सकते हैं हमारे चाचा जी ये काम कर रहे हैं और मैं भी करवाऊँगा इनके साथ में। और मैं आज चाचा ही हूँ और कोई नहीं है। ये देख सकते हैं बहुत ही मेहनत से काम करते हैं ये। आज पूरे पूरा पोर्शन सारा कवर कर लेंगे हम, जहाँ तक उम्मीद है। देखते हैं फिर शाम तक जितना कवर होता करेंगे। एंड चल बने रहे हमारे साथ। इन्हें टाइल देखो ठोक दी है, पूरी हो चुकी है। अभी सूत में देखेंगे इसको, एंड देखने के बाद में देखेंगे अगर ठीक है तो छोड़ देंगे, वरना इसको ठोकेंगे या उठाएंगे इसका जो लेवल है उसके हिसाब से, क्योंकि स्लोप जो हमारा उस नाले पर जाके है यहाँ से, एंड जो यहाँ हमारा स्लोप है इस आधी छत का वो इस तरफ जाके है और आधी छत का उस तरफ है। तो हमारा जो इतना काम हो चुका है ये यहाँ से लेकर उधर का पोर्शन हो गया, और बाकी थोड़ा सा बचा है शाम तक देख लेंगे इसको, जितना होगा उतना हो जाएगा। एक टीम हमारी नहीं आई थी तो इसलिए हमारा काम कम हुआ है, और मैं और चाचा जी हैं दोनों जने हम काम कर रहे हैं अभी। पापा जी से तो कर नहीं सकते, वो लेटे हैं उस तरफ। तो आपको परिचित कराता हूँ हमारे चाचा जी से। हमारे चाचा जी देखिए काम कर रहे हैं, ये देखिए चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे। बढ़िया हाल है, बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है और बहुत बढ़िया है। क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया है। कहाँ से आए हो आप? हम यहीं से आए हैं कबीरनगर से। कबीरनगर से रहते कहाँ हो आप? हम रहते हैं लालपुर बढ़ाई। ये कहाँ है? ये अलीगंज से आ गए हैं 5 किलोमीटर। अच्छा तो मतलब तुम रोशनपुर के रहने वाले हो। हाँ। और हम कहाँ गए? विदेश के तुम हो गए हो, घूमना खेड़े। अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे खूंटा कोटा खेड़ा कहाँ है? ये कौन सा काम बता दिया तुमने? तो फिर तुम हमारे चाचा कैसे हुए? दीवार खेड़ी के धोरे खेड़ा खेड़ा। ये लो तो तुम हमारे चाचा कैसे हुए? फिर ऐसे ही हो गए। तो इनके साथ कुछ मजे लेते हम काम कर रहे हैं दोनों जने ऐसे ही मस्ती घोरी करते हुए। तो ये हमारे चाचा जी हमारे गांव के रहते हैं, हम बराही लालपुर रहने वाले हैं जो जिला मुरादाबाद है और रोशनपुर के पास में, यहाँ से काशीपुर से 20 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही ये देखिए आप टाइल लगाने हैं ये सब पूरे। तो दोस्तों आज जो है गर्मी कल के मुकाबले आज थोड़ी ज़्यादा है और ठंड थोड़ी कम है, क्योंकि आज सूरज तेज़ी से चमक रहा है कल के मुकाबले। एंड जो हमारा काम है थोड़ा खींचने लगा है, ये देखिए वहाँ से हमारा जो
एरिया यहाँ तक खींच चुका है। ये थोड़ा सा ही बचा है, लगभग 6-7 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। आज जो हमारे चाचा जी कह रहे हैं कि आज हमारी तबीयत खराब सी है, तो आज कल के मंगा लो, इन्होंने काम जो कम किया है, क्योंकि कल हमारा काम बंद रहा था, मतलब कल के मुकाबले नहीं, परसों हमारा काम रहा था यहाँ पे। परसों हम लोग ही थे और कल छुट्टी थी सारे इस वाले साइड की, और ये लोग हम सब लोग दूसरी साइड पर गए थे। तो जो परसों हमने काम किया था उसके मुकाबले आज काम कम हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आज मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है। मैंने कहा तुम घर चले जाओ, वो कह रहे हैं मैं घर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। क्या कह रहे हो चाचा? कहना ये था कि एक जमाना था पुलिस भी सैल्यूट मारती थी इनके सामने। मैंने कहा दोबारा से आप अपने मुंह से कह रहे हो, दिखाओ तो क्या कह रहे हो? मरवाओगे क्या? क्यों? अरे पुलिस वाले ना पकड़ेंगे, ऐसे वीडियो में ना पकड़ते हैं। कई बार समझाया चाचा जी को बीड़ी मत पिया करो, इन्होंने बीड़ी पीने चालू कर दी। अभी इसे फेंकता हूँ मैं भी। हाँ भाई देखो, मैं बीड़ी पी रहा हूँ और मैं जो काम करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब मैं बीड़ी पीता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो काम मैं फुर्ती से करता हूँ। ठीक है भाई। तो दोस्तों इनकी बात आपने सुन ली पूरी, हमारी भी सुन लो। मैं तो मना कर रहा हूँ बीड़ी नहीं पीते, इससे दिक्कत होती है, फिर भी पी रहे हैं। वो देखो तुम्हारे दोस्त बैठे तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, मेरे पास में खड़े होके पी रहे हैं बीड़ी। ये देखो। तो दोस्तों अब तक काफी मौज मस्ती हो गई, हंसी मजाक हो गया, उसके बाद में अब आते हैं काम की बात पर। तो ये है कि अब जो ये टाइलें हैं थोड़ी बहुत ही लग पाएंगी, जो जितनी भी लगनी है, क्योंकि मसाला थोड़ा कम बचा है। आज जो लेबर वाला बंदा है वो नहीं आया था, क्योंकि टीम हमने बुलाई नहीं थी, और जो दूसरी टीम थी वो आई नहीं किसी कारणवश, तो वो कल की छुट्टी पे भी थे और आज की छुट्टी पे भी है। तो कोई बात नहीं, अगर वो आते हैं अगले नेक्स्ट अगर कल को कहेंगे तो बुला लेंगे, वरना हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। जो ये मसाला इसको ख़त्म करना है यहाँ पर लगाने के बाद, और जितना भी काम खिंच पाएगा खींचेंगे उसको, फिर उसके बाद में सीधे घर जाएंगे। अभी क्योंकि जो ये हवा है 2-3 दिन से पता नहीं कैसी चल रही है, इसमें हाथ पैर सारे फट रहे हैं। तो इस टाइम 5 बज चुके हैं और सूरज जो है वो बिल्कुल छिपने ही वाला है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और काम हमारा हो ही चुका है, इसको सफाई करना बाकी है, इसकी सफाई करने के। तो दोस्तों मैंने जो एरिया है इसकी सफाई करा दी है और थोड़ा सा पानी भी मार दिया जिससे इसमें तराई मिल जाए। एंड अब जाने का टाइम हो चुका है, और थोड़ा मालिक से मतलब जो यहाँ के बिल्डिंग के ओनर हैं उनसे हमें थोड़ा काम है। जो हमारे मकान मालिक हैं जो ओनर हैं वो यहाँ आ चुकी हैं और अब हम जाने के लिए घर तैयार हैं। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ घर, और घर के पास ही आ चुका हूँ बाइक से। एंड उसके बाद में अब फ्रेश होने की तैयारी बारी है, सब कुछ है। तो मैं आ चुका हूँ फाइनली घर, और इस टाइम हालत हो रही है बहुत बुरी, मुझे होना है फ्रेश। एंड मैं होता हूँ फ्रेश, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, हाथ मुँह भी धो लिए हैं। एंड मुझे थोड़ा सा काम में मार्केट जाना है, और वहाँ पर थोड़ा पापा के काम से जा रहा हूँ, मुझे विजिट कार्ड लेके आने हैं। एंड तो मैं जाता हूँ फिर मार्केट। दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से बाहर और जाने के लिए मार्केट, और अभी मौसम में थोड़ी गुनगुनाहट जैसी होने लगी है शाम के टाइम, हमने तो भैया जैकेट ओढ़नी चालू कर दी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट में, और जो हमारा काम था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो जहाँ विजिट कार्ड में हम शॉप पर गए थे उन्होंने बोला कि आप 3-4 दिन बाद आना, जो थोड़ा सा काम है। एंड लेकिन हम मार्केट में थोड़ा निकलते हुए वहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं बाजार से अपने घर, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।